हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हमारा फर्स्ट राइट का फोर्थ चैप्टर चल रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, आपको इसके बारे में कल बता दिया था हमने। ठीक है, 2 वीडियोस इससे पहले हम सेंड कर चुके हैं, आपने उनको देख लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। किटी किसका नाम रखा था उसने? अपनी डायरी का नाम उसने किटी रखा था। ठीक है, तो वो क्या कह रही है? सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। ठीक है, तो ये कह रही है कि अगर मैं डायरी में लिखना स्टार्ट कर दूँ, सिंस नो वन वुड, कि यदि मैं डायरी में लिखना स्टार्ट कर दूँ तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्लंज राइट इन, यानी कि अगर मैं फैक्ट लिखूँ, प्लंज राइट का होगा, फैक्ट्स लिखूँ अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसा हुआ, जो छोटी छोटी बातें वो भी लिखूँ, तो कोई भी क्या होगा, मेरे वर्ड्स को समझ नहीं पाएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, समझ नहीं पाएगा जो मैं कह रही हूँ। तो ये अच्छा होगा कि मैं, तो अच्छा होगा आई बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं एक छोटा सा स्केच दे दूँ अपनी लाइफ का, यानी कि छोटा सा चित्रण मैं अपनी लाइफ का कर दूँ, अपनी लाइफ के किसी एक पॉइंट को मैं आपको बताऊँ। मच एज डिस लाइक डूइंग सो। ठीक है, कहते हैं कि चाहे मुझे वो बताना पसंद हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोई बात अपनी लाइफ की बताना चाहती हूँ। माय फादर द मोस्ट एडोरेबल। एडोरेबल बच्चों होता है जो बहुत अधिक प्रिय होता है। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिता मुझे बहुत प्रिय थे। आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माय मदर। कहते हैं उन्होंने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं की, अंटिल ही वाज 36, जब तक वो 36 के नहीं हो गए, एंड शी वाज 25। और मदर कितनी की थी उनकी? 25 ईयर की थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एन फ्रैंक थी, उनको जो फादर थे उनके लिए बहुत एडोरेबल थे, यानी कि बहुत प्रिय थे। ठीक है, और वो 36 ईयर के थे जब उनकी माँ से उन्होंने मैरिड की थी, वो 25 ईयर की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। जो कहते हैं मेरी जो सिस्टर थी मार्गोट, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। 1926 में उसका बर्थ हुआ था। जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और मेरा बर्थ कब हुआ था बच्चों? ये ऑलरेडी आपको बताया भी जा चुका है कि आपको इनका बर्थ याद रखना है, तो ये 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। कहती है मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक, जब तक रही? जब तक मैं 4 ईयर्स की थी। माई फादर एमिग्रेटेड। एमिग्रेटेड का मीन्स होता है बच्चों एक कंट्री छोड़कर दूसरे में जाना, कि मेरे जो पिता हैं वो कहाँ चले गए थे? होलैंड चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक। मदर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनके फादर कब गए थे, कहाँ गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और मेरी जो माँ है एडिथ होलैंडर फ्रैंक है, वो उनके पास होलैंड चली गई थी, वो गई थी सेप्टेम्बर में। और वाइल मार्गोट यानी कि कौन थी उनकी सिस्टर थी, एंड आई वर सेंट टू ओकेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। हमको कहाँ भेज दिया गया था? ओकेन भेज दिया गया था, जगह का नाम है जहाँ पर हमारी दादी माँ रहती थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। लेकिन दिसंबर में मार्गोट भी कहाँ चली गई? हॉलैंड चली गई, जहाँ उनके पेरेंट्स थे। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं कब चली गई? मैं फरवरी में, यानी कि फरवरी में चली गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। कहते हैं कि मुझे जब मार्गोट का बर्थडे था, यानी कि उनकी बड़ी सिस्टर का बर्थडे था, तो मुझे प्लंक डाउन का बच्चों होता है पटक देना, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे क्या कर दिया गया था, टेबल पर पटक दिया गया था एक गिफ्ट की तरह। यानी कि उस समय मेरी कोई वैल्यू नहीं थी जब मेरी बहन का बर्थडे था, ठीक है, मैं तो बस एक गिफ्ट की तरह थी कि मुझे उठाकर टेबल पर रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे टू द मंसूरी नर्सरी, सॉरी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। कहते हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है वो अपनी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से की थी। स्टार्ट आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं यहाँ कब तक रुकी? जब मैं 6 ईयर की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन हर फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का होगा फर्स्ट क्लास। उस समय मैं फर्स्ट क्लास में थी, इन द 6th फॉर्म। और जब मैं 6th क्लास में थी, माई टीचर वाज मिसिज क्यूपेरस। मेरी जो टीचर थी मिसिज क्यूपेरस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड टीचर थी माँ की। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों बहुत रोए थे। एज वी सेट ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हम लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से विदाई ले रहे थे, यानी कि उन दोनों में, टीचर में और स्टूडेंट में इतना अधिक अफेक्शन हो गया था कि जब उन दोनों की फेयरवेल हो रही थी तो वो दोनों बहुत अधिक रोए थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। कहते हैं 1941 में जो उनकी दादी माँ थी वो बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे जो
बर्थडे था, यानी कि एन फ्रैंक का जो बर्थडे था उस पर बहुत थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ है वो 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, कितना मैं उनको याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उनको मैं कितना अधिक प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर। कहते हैं कि जब मेरा बर्थडे 1942 में जून में, यानी कि जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, ठीक है, तो जो पिछले बार कम रह गया था, ठीक है, जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी कर ली गई। बहुत जोर शोर से, बहुत अच्छे तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया। एंड ग्रैंड माँ कैंडल वाज इट्स अलोंग विद द रेस्ट। वो कहते हैं कि ग्रैंड माँ के नाम की भी एक कैंडल लिटमिस जलाई गई। किसके साथ? अलोंग विद, किसके साथ? द रेस्ट, बाकी जो कैंडल जली थी उनमें कैंडल जो है दादी माँ के नाम की भी जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। कहते हैं कि हम चारों बहुत अच्छे से रह रहे थे, यानी कि चारों में मदर, फादर, उनके सिस्टर मार्गोट और वो बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड डेट टाइम ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून, ठीक है, और ये जो बात है ये मुझे अब प्रेजेंट डेट में लिया, यानी कि जब मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक आ गई हूँ डायरी लिखते लिखते, प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 को वो ले आई। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और ये बिल्कुल सिंसियर डेडिकेशन था, एक समर्पण था मेरा अपनी डायरी के प्रति, पूरी तरह समर्पण था। यानी कि जिस दिन उसने डायरी ये वाला जो पेपर लिखा है उस दिन 20 जून 1942 थी, और उसके बाद उसने जो है ये डायरी नहीं लिखी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आप लर्न कीजिए, और जब रिवीजन होगा, रिवीजन क्लासेस चलेंगी, तो वन बाय वन चैप्टर करके आपको जो है प्रिपेयरिंग कराई जाएगी, ठीक है, और वर्क अपना सेंड करते रहिए। जो भी आपका वर्क है, जो कंप्लीट हो चुका है, वर्क सेंड करिए। बच्चे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।